मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। प्रदेश में लंबित पड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का किया आग्रह। सोलन जिले के 22 वर्षीय शहीद मनीष ठाकुर अपने पैतृक गांव दोची में हुए पंच तत्व में विलीन। डोगरा रेजिमेंट में तैनात मनीष सियाचिन ग्लेशियर हिमस्खलन की चपेट में आने से हुए थे शहीद। राज्य सरकार ने प्रदेश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। सरकार ने इस संबंध में कल अधिसूचना की जारी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धर्मशाला के तपोवन में 9 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए दी मंजूरी। सत्र में होंगी कुल 6 बैठकें। मंडी जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक सेरी मंच पर सामूहिक 1008 कन्याओं की पूजा कर बनाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। सिरमौर प्रशासन ने जिले को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय में किया पॉली ब्रिक बेंच का निर्माण। विभिन्न स्थानों से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर बनाए जा रहे पॉली ब्रिक बेंच। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उगाई जाने वाली जैविक सब्जियों को बेचने के लिए शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में शुरू किया विशेष आउटलेट। सिरमौर जिले में चाइल्डलाइन दोस्ती सप्ताह का हुआ समापन। बच्चों के अधिकारों के बारे किया गया जागरूक। राज्य के अनेक भागों में आज छाए हल्के बादल। अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना।